रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। भाई फिलहाल यहाँ पे सुमित के साथ हमारा चैलेंज लगा हुआ है, थोड़े से दिन बचे हुए हैं। पहले मैं सुपर ड्रैगन अटैक कर रहा था, सुमित रूट राइडर कर रहा था, फिर एकदम से मैंने कहा ये तो चीज है बराबरी की सी नहीं हो रही, इसलिए मैंने आर्मी चेंज कर दी है। अब सुमित भी खौफ खाएगा इस आर्मी के साथ। अब मैं करने वाला हूँ रूट राइडर्स के साथ अटैक। इसी वाली आईडी से मैंने आपको बोला था सुमित के साथ रेस लगी है, 263 एक्सपी वाली मेरी आईडी, और यहाँ पे ही सुमित मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी है। 6000 ट्रॉफीज पे चल रहा है फिलहाल वो, और हम चल रहे हैं 5700 पे, क्योंकि हमको 3-4 दिन ही हुए अभी तक पुश करते हुए, और अभी 12 दिन 20 घंटे का टाइम बचा हुआ है। चलिए थोड़ी सी जो हमारा डिस्टेंस है उसको कम करते हैं, देखते हैं पहला बेस कौन सा मिलता है। ये वाला मिला है गाइस डबल पॉइजन टावर के साथ। ओके, सबसे पहले अपन एक रूट राइडर, एक विच, एक वल्करी स्केलेटन, बाकी सारे रूट राइडर, एक विच वार्डन, अप्रेंटिस वार्डन, बची हुई वल्करी सारी कोर में जाएं, ताकि वार्डन से दूर निकल गई है मेरी एक इंपॉर्टेंट आर्मी। ये हो गया है सीन खराब, पूरा कंपार्टमेंट ही अलग डायरेक्शन में चला गया। सिस्टम पाड़ते पाड़ते गाइस अपना ही सिस्टम फिलहाल अभी खतरे में है। मम्मी अभी नहीं, रुक जाओ भैया प्लीज। मम्मी जैसे मैं अटैक करता हूं तभी आती है अपना काम लेके, नया नया अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिस्टम उखड़ जाएगा। मम्मी हमारा ही, हमें सिस्टम पाड़ना है दूसरों का। टेक डाउन करते हैं टीएच को, आ गया है डबल पॉइजन टावर, वहां पे मौजूद है। किंग के पास एबिलिटी भी तो मौजूद है, देख रहे हो आप मेरी आर्मी, देख रहा है सुमित तू, बच के रहियो मेरे से, मैं बहुत गुस्से में हूं आजकल। किंग क्वीन की एबिलिटी में दबाता भी नहीं हूं, और बेस पहले ही गायब हो जाता है। आरसी की भी मैंने नहीं दबाई, वो अपना आप दब गई। सिस्टम पाड़ देंगे, क्या समझेगा इस। अभी यहां पे पहला अटैक, अरे किंग की एबिलिटी दबाई देता हूं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है ना थोड़ा सा। वैसे मेरे से मिस्टेक हो गई थी इस अटैक के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा गलत गलत डायरेक्शन में चले गए थे डलोंडा लोग। चलो गाइस अगला अटैक देखते हैं। चश्मा पहनकर ही अटैक कर रहे हैं आजकल हम, क्योंकि डरे है, जिम करे है। भाई ये तो खतरनाक बेस मिल गया, इसमें तो मुझे सोचना पड़ेगा। लिंगर को भी डैमेज पड़ गया, ये तो दिक्कत है यार, ये तो इतनी दूर से कैसे मार दिया इसने, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है भाई ये तो। यहां से कैसे डैमेज दे दिया इसने फ्लिंगर से, लिंगर को मेरे। चलो कोई नहीं, दे दिया तो दे दिया भाई। वार्डन एबिलिटी, हील, फ्रीज, वन मोर फ्रीज, और एक और हील। ऑयल चैंपियन को बचा के रखा, उसको भी डाल ही देता हूँ, बाद में काम नहीं आएगी वरना सारी आर्मी मर जाएगी। किंग वहां पे फंस चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, फंस गया तो फंस गया। आर्मी जो है फंसी हुई है ना, ये दिक्कत है इस गोलम पे, जो आर्मी फंसी हुई है। रूट राइडर रास्ता बना रहे, सारे ना मर जाएं, क्वीन फंस जाएगी वरना उसके बाद हमारी। एक स्केलेटन डाल देते हैं यहां पे,
मोनोलिथ के लिए। देख रहे हो कितनी जबरदस्त तरीके से हमारी आर्मी आइस गोलम पे फंस गई थी। पर भाई जैसा कि मैंने आपको कहा, सिस्टम पाड़ देंगे। टेंशन मत ले सुमित, अब तू भाग ले जितना भाग सकता है भाई। तेरा भाई एकदम गधे की रफ्तार से आ रहा है धीरे धीरे तेरे पास। वैसे मेरे को उम्मीद है कि सुमित ही जीतेगा, पर अपनी तरफ से देखो हम भी कोशिश तो करेंगे ही थोड़ी बहुत, है ना सुमित। चलो गाइस अगले अटैक पे चलते हैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला बेस तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इस बेस को तो देख के लग रहा है कि मेरा ही सिस्टम पाड़ देगा ये वाला बेस। इसके लिए मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। यहां पे एक वल्करी, यहां पे एक रूट राइडर, एक वल्करी यहां पे और किंग। बचे हुए रूट राइडर्स, कुछ और वल्करीज, विच, क्वीन, वार्डन, वार्डन एबिलिटी, किंग एबिलिटी। एक स्केलेटन, एक फ्रीज, एक हील। रॉयल चैंपियन तो एक ही होती है, वही उतारनी पड़ेगी लग रहा है गाइस। फंस गई है आर्मी मेरी, थोड़ी ज्यादा ही गलत फंस गई है। रेज मारना पड़ेगा यहां पे टीएच के लिए, क्योंकि टीएच तक तो कोई ना कोई चाहिए जो मुझे पहुंच जाए। अरे टाउन होल निकालो बेवकूफो, रूट राइडर पुट राइडर, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, सिर्फ टाउन होल चाहिए, बाकी कछु ना ही चाहिए रे बाबुआ। आई एम अ वेरी वेरी डेंजरस अटैकर, इस चीज का जस्ट मुझे आज ही पता चला है। इससे पहले मैं अपने आप को बड़ा ही वीक समझ रहा था। इतने ट्रिपल मार दूंगा जब तक सुपर सेल मेरी वीडियो देख देख के इस आर्मी को नर्फ ना करे। मैं सोच रहा था कि मैं इस आर्मी से अटैक ना करूं ना करूं ना करूं, पर भाई जब दुनिया मजे ले रही है तो हम क्यों पीछे हटे। ये आर्मी नर्फ करा के छोड़ूंगा अब। चलो गाइस देखते हैं क्या मिलता है। ओके इस बार हमको मिला है थोड़ा सा अलग बेस, अलग बेस पे अलग अटैक करना होगा, थोड़ा स्ट्रैटेजी वापस से चेंज करनी पड़ेगी। कि टाउन हॉल बिल्कुल इस कोने में, वन स्टार हो जाएगा अगर हम पीछे से आने की सोचेंगे तो हम ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। अरे यार लेट हो गई फ्रीज, और हील भी सब कुछ लेट हो गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई भाई। सिस्टम मेरा ही उखड़ गया इस बार, तो थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी अब मेरे को। थोड़ा सा ज्यादा ही तेजी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी तेजी से भी बात नहीं बनेगी। दो स्पेल्स बची है बस। किंग मेरा ऑलरेडी मर चुका है, इनके हवाले अटैक साथी। रॉयल चैंपियन को जा रहा है डैमेज बहुत ही ज्यादा साथी। फिर रेज टावर भी है उधर साथी। क्या क्वीन और रॉयल चैंपियन मिलके बचे हुए डिफेंसिस को निकाल पाएंगी? लग तो रहा है गाइस, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सिस्टम पाड़ देंगे। हीलर आ गई है क्वीन के पीछे, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। वार्डन अभी भी लगा पड़ा है। अरे यार अब ये दीवार तोड़वाएगा क्वीन के साथ, पर चलो अपने पास सफिशेंट टाइम है,
बिल्कुल कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा आप लोग बताना कि आपको सुमित वाली रूट राइडर अटैक स्ट्रेटेजी मस्त लगी या मेरे वाली अटैक स्ट्रेटेजी देख के आपको ज्यादा मजा आ रहा है। लेट्स गो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स। यार ये क्या बेस है, इस बेस को देख के तो मेरा ही सिस्टम उखड़ गया है। बहुत तेजी दिखानी पड़ेगी इस बेस पे तो भाई। वार्डन एबिलिटी देनी पड़ी है क्योंकि इतना डैमेज है इस बेस पे, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में, कि अगर नहीं करा इसका इलाज तो ये हमारा ही सिस्टम उखाड़ देंगे भाई। गलत ही जा रहे हैं ट्रूप्स तो मेरे। इन गलती जा रही है, किंग वहां फंसा पड़ा है, बाहर जा रही है क्वीन, टाउन हॉल कौन निकालेगा? इस तरह की गलत सलत हरकतें कर रही हैं ये मेरे ट्रूप्स। हील लगानी पड़ गई है, रीज लगानी पड़ गई है, किंग एबिलिटी भी लगानी पड़ गई है क्योंकि टीएच ने सब कुछ उखाड़ दिया है भाई आर्मी का। टीएच चाहिए अपने को कैसे भी करके, आता हुआ नजर नहीं आ रहा है वो फिलहाल अभी मेरे को। किंग लगा हुआ है, चलो किंग निकाल देगा। उसके बाद बड़ा लंबा सफर है क्वीन के लिए कि ये टाइम फेल भी हो सकता है अटैक। बहुत सारी चीजें बची हैं, 1:10 का टाइम बचा है। क्वीन को और वार्डन को पूरा घूमते हुए जाना पड़ेगा यहां से लेके वहां तक, क्योंकि बेस में ऐसा कुछ खास तो बचा नहीं है, बस ये घोड़ा ना मर जाए। 50 सेकंड का टाइम बचा है, वार्डन हेल्प कर रहा है क्वीन की। 50 सेकंड में क्वीन को यार इतना कुछ उखाड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे जाइंट बॉम्ब भी हो सकते हैं इसलिए मैं क्वीन की एबिलिटी नहीं दे रहा। देखा वार्डन मर गया ना, जब तक क्वीन यहाँ से नहीं निकलेगी तब तक एबिलिटी देने का फायदा नहीं है क्वीन का, वरना जाइंट बॉम्ब सिस्टम फाड़ लेंगे हमारे अटैक का। इसके आते के साथ ही एबिलिटी दूंगा बस। चलो निकलो, तेजी से निकलो आर्चर्स। 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम है वैसे तो, और लगभग 7% उड़ाना है। उड़ा देंगे क्या? 6 5, अरे यार 99 रह जाएगा, पक्का 99 रह जाएगा। बच गया सिस्टम, पिछले अटैक की भरपाई करते हैं इस अटैक में। ये बेस तुम मेरे को मस्त लग रही है। लेट्स गो। दे दिया वार्डन एबिलिटी हमने और रेज भी लगा देंगे। हील भी लगा देंगे क्योंकि इधर ही ज्यादा डैमेज है। अच्छी बात यह है कि मोनोलिथ रॉयल चैंपियन के ऊपर लगा हुआ है। पूरी बात यह है कि मोनोलिथ नहीं, सॉरी स्कैटर शॉट कह रहा था मैं, पर टाउन हॉल को निकाल देगा किंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्वीन कहाँ है मेरी? क्वीन भी सही जा रही है, इसको फ्रीज कर देते हैं आखिरी कंपार्टमेंट को।
आर्मी काफी है, बस क्वीन के पास एबिलिटी बचनी चाहिए। क्वीन की एबिलिटी चली गई तो अटैक अभी भी फेल हो सकता है। क्वीन की एबिलिटी नहीं जानी चाहिए और वह बच गई है। फिलहाल अब ये खत्म है, अभी कोई टेंशन नहीं है। अब तो मैं दवाई देता हूं एबिलिटी ताकि कार्रवाई फटाफट हो जाए। अरे विच को काहे मार दिया इसने, विजार्ड टावर ने। अरे बड़ा गंदा विजार्ड टावर है यार, अच्छी बड़ी क्लीन अप कर रही है वो विच, उसको क्लीन अप नहीं करने दे रहा है विजार्ड टावर। इतना बेवकूफ विजार्ड टावर कम ही देखने को मिलता है। पर चलो कोई नहीं, बेचारा अपना काम कर रहा है, सोच रहा है मालिक को बचा लेंगे, मालिक आपको शाबाशी देंगे। ऐसा नहीं होगा, इधर भी तो एक मालिक लगे हुए हैं, किसी के पीछे पड़े हुए हैं, हमें भी तो पकड़ना है भाई किसी को, समझ रहे हो ना। आज का फाइनल अटैक, चलिए गर्दा फाड़ देते हैं इस बेस का। सोचा तो यही है मैंने, डबल रेज टावर है इस बेस पे, इसका मतलब अपने को इधर से जाना पड़ेगा। अलकरी वलकरी पलकरी सब लेके इधर से पड़ गया हूं मैं। किंग बाहर चला गया है, ये हो गई है बहुत भयानक और बड़े लेवल की समस्या, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। किंग का बाहर जाना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर वो हमारी बिना सुने ही चला गया। क्वीन भी उसके पीछे पीछे है, किंग क्वीन रॉयल चैंपियन तीनों एक तरफ है और बाकी सारी आर्मी एक तरफ है। एक गई आरसी की एबिलिटी, एक स्कैटर शॉट अभी भी बचा है। वार्डन लगा पड़ा है, किंग बेचारा बाहर घूम रहा है, क्वीन भी अलग ही घूम रही है, एक पूरा कंपार्टमेंट अभी बचा हुआ है और उस कंपार्टमेंट में जाने का रास्ता नहीं है क्वीन के पास। किंग दीवार तोड़ रहा है इसलिए वार्डन एबिलिटी लगा, किंग की एबिलिटी लगा देते हैं, और क्वीन अभी भी नहीं जा रही अंदर, बेवकूफ़ी है यार, क्वीन अलग ही लेवल की पागल है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम फेल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ हो नहीं सकता। किंग बाहर आ रहा है क्वीन के लिए, लेकिन सब कुछ वोकेबल लग रहा है मेरे को, तो टाइम फेल भी नहीं। अरे यार जैसे वोकेबल बोला क्वीन अंदर घुस गई, चलो अभी भी वोकेबल है, घूम घूम के आएगी ट्रिपल मार देगी। इसके बाद फिर मैं आपको आईडी का हाल दिखाऊंगा अपनी, ठीक है। एक फ्रीज को स्वैग कर देते हैं, क्वीन की एबिलिटी दबा देते हैं, और अब गाइस सिस्टम चेक करते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं सबसे मस्त, कई बंदे पता क्या कहेंगे, मोगी भाई आप अलग अलग आईडी के अटैक दिखा रहे हो, उस वाले आईडी के अटैक नहीं दिखा रहे जिससे आपने रेस लगा रखी है, ऑब्वियसली उसके तो दिखाई रहा हूं मैं, साथ में आपको अलग अलग के भी दिखा रहा हूं। लेकिन आप यहां पे अटैक देख लो मेरा 23 40 40 40, और आईडी के दिखाऊं मैं आपको, एक सेकंड रुको। लो भाई ये हमारी दूसरी आईडी, इसमें देखो हमने चार अटैक करे 40 40 40 40, और दिखाऊं मैं आपको, देखो दूसरा और दिखाता हूं आपको। अब ये हमारी वो मेन आईडी जिससे लगी हुई है रेस, ये 5798 पे लगभग 5800 ट्रॉफीज पे, इसमें देखो आप जरा अटैक 30 40 40 32, चार अटैक और बचे हुए हैं अभी, बिल्कुल टेंशन मत लो गाइस, एकदम रेल बना देंगे इसी आईडी से, इस रेस है यही आईडी का ऊपर, आप ध्यान रखें। अटैक तो मैं आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आप सीख सको अलग अलग बेसिस के ऊपर, आप ध्यान रखें या वाली आईडी का। वैसे देखो यार कुछ नहीं पता कौन सी आईडी मेरी कब कहां निकल जाए, पेलती हुई मुझे भी नहीं पता रहता,
पर भाई देखो हम कोशिश करेंगे सुमित को पकड़ने की। सुमित अभी हमसे चल रहा है 6139 ट्रॉफीज में, बहुत ही आगे है। इतना डिफरेंस पता नहीं कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप लोग कमेंट करके बताना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे। किसको आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा बताना जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।